देखिए, आपने पिछले एक डेढ़ महीने में हम सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अपना फन फिर से फैलाने की कोशिश कर रहा है, और इस बार जम्मू खिते में, जम्मू डिवीज़न में पाकिस्तान के भेजे हुए ये दरिंदे अपना खूनी खेल करने की साजिश कर रहे हैं। एहतजाज से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बार एसोसिएशन की तरफ से उन माँ भारती के सपूतों को जिन्होंने अपनी जान निछावर की है देश की रक्षा में, देश के नागरिकों की रक्षा में, देश के लोकतंत्र की रक्षा में, जिन्होंने अपनी जान प्राण निछावर किए, उनको भारत माँ के सपूतों को बार एसोसिएशन जम्मू श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और रही बात पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ना आज से 30-40 साल पहले कामयाब हुआ, ना आने वाले किसी दिन कामयाब होने की वो सपना भी देखे। भारत पाकिस्तान को हराता आया है, निस्तो नबूद करता आया है, और ज़रूरत पड़ी तो हमें पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार और भारतीय फौज पाकिस्तान को आज भी नक्शे से मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब भारत को सिर्फ पीओके के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भारत को अपने बॉर्डर्स एक्सटेंड कर देने चाहिए अफगानिस्तान तक, और पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए इस ग्लोब से। क्योंकि पाकिस्तान जैसे नासूर, मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो वहाँ से हथियार गोला बारूद भेज के और यहाँ एम्बुश करके घात लगा के अगर वो अटैक करे तो ये कहाँ की बहादुरी है। पाकिस्तान को हम भारतीय फौज की तरफ से ओपन चैलेंज देते हैं कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, दम है तो सामने से आके लड़े। आप छुप के घात लगा के हमला करोगे, फिर कहोगे आपने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। यहाँ पर शहादत देने के लिए एक एक नागरिक तैयार है, भारतीय फौज हमको लीड कर रही है, हम भारतीय फौज के साथ शाना बिशाना चलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। देखिए, आपने पिछले एक डेढ़ महीने में हम सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अपना फन फिर से फैलाने की कोशिश कर रहा है, और इस बार जम्मू खिते में, जम्मू डिवीज़न में पाकिस्तान के भेजे हुए ये दरिंदे अपना खूनी खेल करने की साजिश कर रहे हैं। एहतजाज से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बार एसोसिएशन की तरफ से उन माँ भारती के सपूतों को जिन्होंने अपनी जान निछावर की है देश की रक्षा में, देश के नागरिकों की रक्षा में, देश के लोकतंत्र की रक्षा में, जिन्होंने अपनी जान प्राण निछावर किए, उनको भारत माँ के सपूतों को बार एसोसिएशन जम्मू श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और रही बात पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ना आज से 30-40 साल पहले कामयाब हुआ, ना आने वाले किसी दिन कामयाब होने की वो सपना भी देखे। भारत पाकिस्तान को हराता आया है, निस्तो नबूद करता आया है, और ज़रूरत पड़ी तो हमें पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार और भारतीय फौज पाकिस्तान को आज भी नक्शे से मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब भारत को सिर्फ पीओके के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भारत को अपने बॉर्डर्स एक्सटेंड कर देने चाहिए अफगानिस्तान तक, और पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए इस ग्लोब से। क्योंकि पाकिस्तान जैसे नासूर, मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो वहाँ से हथियार गोला बारूद भेज के और यहाँ एम्बुश करके घात लगा के अगर वो अटैक करे तो ये कहाँ की बहादुरी है। पाकिस्तान को हम भारतीय फौज की तरफ से ओपन चैलेंज देते हैं कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, दम है तो सामने से आके लड़े। आप छुप के घात लगा के हमला करोगे, फिर कहोगे आपने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। यहाँ पर शहादत देने के लिए एक एक नागरिक तैयार है, भारतीय फौज हमको लीड कर रही है, हम भारतीय फौज के साथ शाना बिशाना चलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार।